हेलो दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट झटपट बनने वाली मोदक की रेसिपी, जिसे आप बिना गैस जलाए 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए ना ही हमें मावा चाहिए, ना ही घी, ना ही खोया। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में मावे जैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे, 200 ग्राम है, 4 हरी इलायची। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सभी चीज़ें लेना है। आप देख सकते हैं चीनी एकदम बारीक पीस के तैयार हो गया है। अब एक बड़ा सा कटोरी लेंगे और उसमें आधा कप ताज़ा मलाई डाल देंगे, 1 से 2 दिन का। ज़्यादा दिन का मलाई नहीं ले, नहीं तो खट्टा टेस्ट आने लगेगा। और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम छन्नी रख लेंगे और जो हमने चीनी को पीस के रखे थे, अब इसे छान लेंगे ताकि कोई भी चीनी में मोटा कण हो वो अलग हो जाए। अब इसे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद साइड में रख देंगे। जो हमने चीनी पीसे थे वही मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें 3 कप कुरमुर डालेंगे। आपके तरफ क्या बोलते हैं, कुरमुर लाई जो बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी से हम बारीक पीस लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम बारीक पीस के तैयार हो गया है। अब जो हमने चीनी मलाई को मिला के रखे थे ना, उसी में एक छन्नी रख लेंगे और इसे छान लेंगे ताकि कोई भी मोटा कण हो अलग हो जाए। अब इसमें 1 कप नारियल का बुरादा डालेंगे, 200 ग्राम है। आप चाहे तो सूखा नारियल को ग्रेट करके और मिक्सर जार में पीस के ले सकते हैं। अब अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम 4 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे, 1/4 कप। आप कोई भी ब्रांड के मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से मावे का टेस्ट आता है। अब इसे हाथों से अच्छे से मिला देंगे। अगर आपका बैटर थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो आप इसमें दूध या मलाई थोड़ा सा डाल के मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया है। मैंने बारीक कटा हुआ 10 से 12 बादाम ली हूँ और जो बैटर बना के रखे हैं ना, उसमें से थोड़ा सा बैटर लेंगे और बादाम को अच्छे से मिला देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप ले सकते हैं या बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। और बादाम वाला बैटर में से 2 भाग कर देंगे और अलग अलग कटोरी में रख देंगे। एक कटोरी में 1 पिंच ग्रीन फूड कलर डालेंगे और दूसरा कटोरी में 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर, अच्छे से मिला देंगे। एक कलर मिलाने के बाद हमें हाथ को धो के फिर दूसरा कलर मिलाना है, क्योंकि हमारा हाथ में लगा रहेगा तो कलर मिक्स हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। मोदक बनाने के लिए इस टाइप के हम मोदक मोल्ड ले लेंगे। अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हाथ से बनाना बता दूंगी। अब हम कलरफुल मोदक बनाएंगे। पहले व्हाइट वाला बैटर डालेंगे, उसके बाद हम ग्रीन बैटर डालेंगे, अब इसमें हम ऑरेंज वाला बैटर डाल के इसे अच्छे से दबाते हुए चिकना कर लेंगे। ये देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम फिलिंग वाला मोदक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मोल्ड में वाइट वाला बैटर डाल के अच्छे से दबाते हुए इसमें बीच में जगह बना लेंगे फिलिंग डालने के लिए, इस तरीके से। अब इसमें हम ऑरेंज कलर का बैटर डाल देंगे और इसे चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हैं फिलिंग वाला मोदक बनके तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है और इसे बनाना भी आसान है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। मैं तिरंगा कलर का मोदक बना रही हूँ, तो एक साँचा में व्हाइट वाला बैटर डालेंगे और दूसरा साँचा में ग्रीन कलर का और तीसरा साँचा में ऑरेंज कलर का, और इस तरीके से दबाते हुए चिकना कर लेंगे। आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से बना सकते हैं। अब इसे हम बंद कर लेंगे और अच्छे से दबा देंगे ताकि एक्स्ट्रा डो होएगा वो ऊपर आ जाएगा, तो उसे हम हटा देंगे और नीचे से भी चिकना कर लेंगे।
आप देख सकती हैं कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिना मोल्ड के मोदक बनाने के लिए थोड़ा सा डो लेंगे और हथेली पे रख के इसे चिकना कर लेंगे। अब इस तरीके से दबाते हुए लंबा मोदक के आकार के जैसा शेप दे देंगे इस तरीके से। अब इसमें डिजाइन डालने के लिए टूथपिक ले लीजिए या कांटा वाला चम्मच और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे दबाते हुए डिजाइन डाल दीजिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने सारे मोदक बनाकर तैयार कर ली हूँ। आप इसे फ्रिज में 15 दिन तक रख के खा सकते हैं। आप भी बनाइए, खाइए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया।